मेरे सारे शिक्षक विद्यार्थी, मैं कुणाल भारद्वाज, अभी मेरे साथ है पटना के जाने माने शिक्षक रमांशु सर। और ऐसे में फाइनल आंसर की जैसे ही जारी हुए हैं, वैसे ही कट ऑफ को लेकर बहुत ही एक माहौल बना हुआ है कि क्या कट ऑफ जाने वाले हैं, क्योंकि सारे का कट ऑफ चेंज हो रहे हैं। और ऐसे में रिजल्ट को भी लेकर बातें की जा रहे हैं, और रिजल्ट का खुशखबरी मैं आप लोग के साथ अभी शेयर करने जा रहा हूँ। क्या रिजल्ट को लेकर खुशखबरी है और कट ऑफ को लेकर सारा जानकारी मैं देने वाला हूँ। और जो रिजल्ट आने वाले हैं, किनका किनका रिजल्ट है, 9, 10, 11, 12, 1-5, सारे को लेकर आप लोग को जानकारी मिलने वाला है रमांशु सर के साथ। और कट ऑफ को लेकर बहुत सारे कम्युनिटी पोस्ट भी किए गए, कम्युनिटी पोल किए गए, तो उसमें तमाम सारे चेंजिंग जो देखने के लिए मिला है, बहुत ही बड़ा उतार चढ़ा हुआ है। तो मैं सारा चीज जानने का कोशिश करूंगा रमांशु सर से। सर, कट ऑफ को लेकर क्या चेंजिंग आए हैं सर, और ऐसे में सर रिजल्ट को लेकर क्या इन्फॉर्मेशन है सर अभी तक? देखिए, जहां तक रिजल्ट की बात है तो बहुत जगह ये होल्ला शुरू हो गया है कि आज रिजल्ट आ सकता है। बस सरकार के आदेश की जो है लोग प्रतीक्षा कर रहे होंगे, सरकार का आदेश आए और रिजल्ट आ जाए। तो जिस तरह से गहमा गहमी चारों ओर बनी हुई है नॉर्मली, उसमें दो तीन चीज़ और भी हैं। पहली चीज़ तो ये है इसमें कि सरकार चाहती है कि हम रिजल्ट जल्दी से जल्दी दे दें, और सरकार भी कहना है कि भाई ये जो है आपका दशहरा, नवरात्र, ये सब के लिए बेहतर हो। और उसमें शुरू से ही जो है 9, 10, 11, 12 में कोई परेशानी नहीं थी। जो भी परेशानी है, जो भी लड़ाई है बच्चों की या सरकार की जो लड़ाई है, वो 1 से लेकर 5 तक में ही है, बाकी 9, 10, 11, 12 में कोई समस्या नहीं। और जब फाइनल कट ऑफ लिस्ट जारी हुई है, मतलब मेरिट लिस्ट जारी हुई है और सारा आंसर किया आया है, तो निश्चित रूप से बहुत सारे बच्चों के आंसर्स कम हुए हैं, सही हुए हैं। तो ये होता भी है, आपको बता दूं कि जब भी आप फॉर्म भर के कोई एग्ज़ाम देते हैं तो शुरुआत में आपको लगता है कि सारे हमारे क्वेश्चन सही हैं, लेकिन बाद में जब आप मिलाना शुरू करते हैं तब आपको मालूम चलता है कि नहीं साहब, बहुत सारे क्वेश्चन गलत हैं। तो निश्चित रूप से देखिए कट ऑफ तो नीचे आएगा। रही बात रिजल्ट की, तो सुबह शाम से ही अल्लाह की 6 बजे आएगा, 8 बजे आएगा, 10 बजे आएगा। देखिए, टाइम आप फिक्स नहीं कर सकते। ये बात जरूर कहा जा सकता है कि रिजल्ट तैयार है, जहां सरकार का आदेश आया रिजल्ट आ जाएगा, और आज पूरी संभावना है कि रिजल्ट आ सकता है। उसका ही कारण है कि सब जो है शिक्षा विभाग भी आदेश दिया है कि भाई सारे के सारे लोग तैयार रहें, छुट्टी कैंसिल की जा रही है। तो छुट्टी कैंसिल इसलिए की जा रही है ताकि जो है लोगों के योगदान का भी प्रक्रिया शुरू किया जा सके। सर, सीरीज वाइज सुन रहे हैं सर, पहले 11, 12 का, फिर 9, 10 का, फिर 1-5 का, उसका क्या मैटर है सर? देखो, ये बात है कि ना कि 11, 12 और 9, 10 का देना इनके लिए बहुत आसान है। क्यों? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है, उसमें कोई विवाद नहीं है, सारी चीज़ें एकदम क्लियर हैं। तो उसका पहला फायदा ये होगा कि जो बच्चे 11, 12 में सेलेक्ट हो जाएंगे, फिर 9, 10 के लिए जो है अपने आप को नहीं शामिल करेंगे, तो जो एक सीट खाली रह सकती है वो सीट का उपयोग हो जाएगा। और फिर जो 9, 10 वाले भर्ती हो जाएंगे तो फिर वो 1 से 5 के लिए लड़ाई लड़ेंगे, तो फिर 1 से 5 में कोई सीट खाली नहीं रहेगी। तो सरकार चाहती है कि कोई भी सीट खाली ना रहे, सब पे हम कंप्लीट कर दें। ऐसा ना हो कि एक लड़का 3-3 जगह सेलेक्ट हो जाए तो फिर ये समस्या क्रिएट हो सकती है। इसलिए पहले 11, 12, फिर 9, 10 और फिर 1 से 5 तक। सर, रिजल्ट को लेकर सर 9, 10, 11, 12 तो जारी कर दिए जाएंगे सर, वो आज भी हो जाएंगे, और हमेशा वो रिकॉर्ड रहा है बीपीएससी का कि हमेशा लेट नाइट ही सारा कुछ होते हैं, जारी किए जाते हैं। जैसा कि जो आंसर की भी है, फाइनल आंसर की भी लेट नाइट ही जारी किया गया था, तो सर वो तो लेट नाइट जारी कर दिए जाएंगे सर। पर ऐसे में सर 1-5 का क्या होंगे सर, 1-5 का कब तक रिजल्ट आने का संभावना? देखिए, जैसे रिजल्ट जारी करने की बात होती है ना, तो संभावना होती है। ये नहीं कि मैं तो बीपीएससी का चेयरमैन तो हूं, नहीं नहीं आज शाम को 7 बजे आएगा, ऐसा नहीं है। संभावना व्यक्त की जा रही कि ऐसा हो जाएगा, तो उसके बाद संभावना आज और कल की बात की जा रही है, आज कल में जारी हो जाएगा। बात रही 1 से 5 वाली, तो आप देख रहे हैं कि 1 से 5 में एक विवाद चल रहा है, लंबा विवाद चल रहा है। उसमें बहुत सारे छात्र भी इन्वॉल्व हैं, उसमें बहुत सारी जो है पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व हैं, उसमें जो है सरकारें भी इन्वॉल्व हैं, तो वो अपने आप में एक पेच फंसा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में वो मसला चल रहा है। और बीपीएससी कभी नहीं चाहेगी कि हम किसी बच्चे के साथ कोई अहित करें, वो चाहती कि भाई बीएड वालों का भी हित हो, डीएलएड वालों का भी हित हो। आप जैसे मान लीजिए कि पत्रकार हैं, मान लीजिए मैं टीचर हूँ, तो हम लोग किसी के पक्ष विपक्ष में नहीं हो सकते ना। अब कोई कह दे कि मैं समर्थन कर रहा हूँ इसका, मैं विरोध कर रहा हूँ, हम समर्थन विरोध करने वाले कौन होते हैं? अगर हमारे समर्थन करने से हमारे जैसे अगर 10 टीचर मिल जाएँ तो आपको क्या कर देना लगता है कि समर्थन करने सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को बदल देगी, नया जो है वो लेते आएगी? ऐसा नहीं होगा। जो तथ्यों के आधार पर डिसीजन लिया जाता है वही लिया जाता है। हाँ, ये बात अलग है कि कोई पक्ष बोलता है, विपक्ष बोलता है। तो मुझे लगता है कि 1 से 5 का रिजल्ट अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन वो अच्छा भी है, उसमें कोई गलत नहीं है। 9, 10, 11, 12 की जो है पूरी की पूरी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाए, तब तक इनके पास टाइम है, उसके बाद ये रिजल्ट घोषित करके उनकी भी ज्वाइनिंग शुरू कराएं। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि रिजल्ट जो है आप लोग का कभी भी जारी हो सकते हैं, डेट आप लोग को टाइमिंग बताया जाते हैं, लगातार बड़े बड़े चैनल्स के द्वारा ही बताए जा रहे थे, न्यूज़ चैनल के द्वारा ही बताया जा रहा था, सुबह से ही उस पर जो है माहौल चल रहे हैं कि रिजल्ट जारी हो जाएंगे। पर हमेशा से रिकॉर्ड रहा, जैसा कि सर बताए हैं, कि लेट नाइट जारी किए जाते हैं, और यानी कि इसे यह पता चल पा रहे हैं कि रिजल्ट आप लोग का जल्द से जल्द जारी कर दिए जाएंगे। अगर आज नहीं हो पाए तो फिर कल आप लोग का रिजल्ट यानी कि जारी ही कर दिए जाएंगे, और 9, 10, 11, 12 का रिजल्ट में कहीं भी कोई रोक टोक नहीं है। 1-5 में थोड़ा सा मैटर चल रहे हैं बीएड वर्सेस बीटीसी का, उसी के कारण थोड़ा सा डिले हो रहे हैं। तो और कट ऑफ को भी लेकर सारा चीज क्लियर कर दिया गया कि कट ऑफ कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम जाएंगे। तो जितने भी स्टूडेंट हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़े रहे, और जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आएगा मैं आप लोग के साथ शेयर करता रहूंगा।